आईपीएल 2019 यानी कि आईपीएल के 12वें सीजन का सफर जारी है और सभी टीमें शुरुआत से ही प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए यहां पे बेताब दिखाई दे रही हैं। लगातार वो प्रयास कर रही हैं कि वो मैच जीते और सबसे ऊपर बनी रही, लेकिन इसमें कुछ ही टीम है जिनके लिए अभी तक का यह सफ़र अच्छा रहा है, कुछ ऐसी भी टीमें हैं जिनके लिए अभी तक ये सफ़र बेहद ही ख़राब दौर पे से गुजरा है। तो चलिए बताते हैं क्या है 7 मैचों के बाद पॉइंट्स टेबल का हाल। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो यहाँ पे सबसे ऊपर है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम यानी कि केकेआर की टीम ने 2 मैच खेले हैं, दोनों ही मैच जीते हैं और 4 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पे बनी है। वहीं नेट रन रेट की बात करें तो यहाँ पे केकेआर की नेट रन रेट है +0.834। वहीं दूसरे नंबर पे टीम आती है चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मुकाबलों में जीत दर्ज की है और 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे है। वहीं नेट रन रेट कम होने की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे नंबर पे है। चेन्नई सुपर किंग्स की नेट रन रेट है +0.495। वहीं तीसरे नंबर पे टीम है दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने भी 2 मैच खेले हैं और 1 मैच में जीत नसीब हुई है और दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली कैपिटल्स ने पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस को हराया और दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। दिल्ली कैपिटल्स के पास 2 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट की बात करें तो +0.782 है दिल्ली कैपिटल्स का नेट रन रेट। वहीं चौथे नंबर पे है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम भी 2 मैच खेल चुकी है और 2 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे बनी हुई है। किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने अपना पहला मैच जीता था, दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। वहीं अगर नेट रन रेट की बात करें किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की तो यहाँ पे -0.350 किंग्स इलेवन पंजाब की नेट रन रेट है। वहीं पांचवें नंबर की बात करें तो पांचवें नंबर पे है मुंबई इंडियंस की टीम ने भी 2 मुकाबले खेल लिए हैं। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस के हाथ जीत लगी। और वहीं अगर नेट रन रेट की बात करें तो नेट रन रेट है मुंबई इंडियंस का -0.775। वहीं छठे नंबर की बात करें तो छठे नंबर पे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। हैदराबाद की टीम ने अभी तक सिर्फ 1 ही मुकाबले खेले हैं और पहला ही मुकाबले में सनराइजर्स को हार का सामना करना पड़ा और इस हिसाब से पॉइंट्स यहाँ पे 0 हैं अभी तक हैदराबाद की टीम के। और नेट रन रेट की बात करें तो यहाँ पे -0.255 है। वहीं सातवें नंबर की बात करें तो सातवें नंबर पे है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। आरसीबी ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इस हिसाब से पॉइंट्स आरसीबी के पास अभी 0 है और नेट रन रेट की बात करें तो -0.575 है। वहीं आठवें नंबर यानी कि सबसे नीचे जो टीम है वो है राजस्थान रॉयल्स की टीम। राजस्थान की टीम ने भी अब तक 1 मुकाबला खेला है और पहले ही मुकाबले में राजस्थान की टीम को हार का सामना करना पड़ा और यहाँ पे नेट रन रेट की बात करें तो -0.700 राजस्थान की टीम का नेट रन रेट है। वहीं अगर ऑरेंज कैप की बात करें तो ऑरेंज कैप है नितेश राणा के पास जो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हैं। इन्होंने बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की और अब तक 131 रन बनाकर ऑरेंज कैप धारण किए हुए हैं। वहीं अगर पर्पल कैप की बात करें तो पर्पल कैप है युजवेंद्र चहल के पास। युजवेंद्र चहल ने अब तक 2 मैचों में 5 विकेट निकाले हुए हैं और पर्पल कैप अपने नाम किए हुए हैं। अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करें कि सबसे अधिक किस खिलाड़ी ने हाईएस्ट स्कोर बनाया है तो वो है डेविड वार्नर ने सनराइजर्स की तरफ से खेलते हुए 85 रन बनाए थे जो अभी तक इस मैच का सबसे हाईएस्ट स्कोर है। वहीं अगर बेस्ट बॉलिंग फिगर की बात करें कि सबसे बेहतरीन तरीके से किस गेंदबाज ने गेंदबाजी की है तो उसमें नाम आता है युजवेंद्र चहल का। युजवेंद्र चहल ने 38 रन देकर 4 विकेट निकाले हैं जो अब तक का बेस्ट गेंदबाजी रहा है। वहीं अगर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें तो ये प्लेयर हैं केकेआर के आंद्रे रसेल। आंद्रे रसेल ने बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी भी की है और बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी भी की है और केकेआर की टीम को जीत दिलाया है। एक्सएन स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट।